रूस यूक्रेन की जंग अब तक सिर्फ हमले और जवाबी कार्रवाई तक ही सीमित है। दूसरी तरफ कूटनीतिक बिसात बिछाकर जंग नेटो बनाम रूस भी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सबसे बीच जो चौंकाने वाली जानकारी है वो ये कि जंग के अंत के लिए नए ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है जो शुरू होने जा रहा है 30 अप्रैल से, और ये सब हो रहा है रूस की उस रणनीति के तहत जिसमें क्रीमिया को जंग का केंद्र बनाकर नेटो कंट्रीज में तबाही मचाने की तैयारी है। आखिर क्या है ऑपरेशन 30 अप्रैल और कैसे बिछाई गई जंग की नई बिसात, देखिए इस रिपोर्ट में। 78 साल बाद नई शुरुआत, 30 अप्रैल 2023 शुरू होगा विनाश। अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण करने के बाद फिर अस्तित्व को खोना, लेकिन अपनी ताकत की दहशत कायम रख पाना अगर दुनिया में कोई देश कर सकता है तो वो रूस है। इस देश के करीब 8 दशक का इतिहास बताता है कि भले ही यहाँ सत्ता बदली हो, लेकिन कभी भी किसी शासक ने अपने देश के अभिमान से समझौता नहीं किया। प्रेसिडेंट पुतिन भी यही कर रहे हैं, इसलिए अतीत की उसी तारीख को पुतिन ने अपने अंतिम ऑपरेशन के लिए चुना है जो रूस के विश्व विजयी होने की गवाही देती है। तारीख 30 अप्रैल, हिटलर की मौत का दिन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े विलेन हिटलर की मौत ने रूस को जंग का विजेता घोषित किया था, इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने इसी तारीख का इतिहास मजबूत करने के लिए अपने विनाशक ऑपरेशन के लिए चुनाव किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अंतिम ऑपरेशन की तैयारी डिफेंसिव मोड में की गई है और ऑफेंसिव कोई होगा तो वो यूक्रेन होगा। आपने बिल्कुल सही सुना है, जमीनी स्तर पर रूस की वो रणनीति बेहतर तरीके से कारगर नजर आ रही है जिसे लास्ट ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। इसके प्रमाण भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रूस की रणनीति का वो हिस्सा समझ लीजिए जिसने 30 अप्रैल की ऐतिहासिक तारीख को भविष्य के इतिहास में दोबारा दर्ज होने का मौका दिया है। रूस यूक्रेन के अंतिम जंग का केंद्र क्रीमिया ही होगा और इसे केंद्र बनाया है खुद रूस ने। क्रीमिया की उत्तरी सीमा पर यूक्रेनी फोर्स को जुटने का मौका भी दिया है खुद रूस ने, ताकि उत्तरी सीमा से नेटो के सहारे हमला हो और रूस दक्षिणी सीमा से क्रीमिया में जुटाए गए विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल करके जंग को निर्णायक मोड़ पर ले आए। हालांकि रूस ने इस तैयारी के तहत शुरुआती दौर में हमले रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम भी क्रीमिया में तैनात कर दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती एक्शन होगा जिसे रूस के खिलाफ छेड़े गए नेटो के युद्ध के रूप में दर्ज किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई में रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। अप्रैल से विनाशक ऑपरेशन की तैयारी कई मोर्चों पर होती हुई दिख रही है। हालांकि रूस की तरफ से यह हलचल कम है, लेकिन रूस की रणनीति कामयाब होते हुए जरूर नजर आ रही है। 30 अप्रैल से विनाशक जंग का पहला प्रमाण है नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कीव का दौरा करना और नेटो के साथ यूक्रेन की भविष्य की घोषणा करना। नेटो का सदस्य न होकर भी यूक्रेन इस समय नेटो से वो तमाम सुविधाएं हासिल कर रहा है जो जंग के दौरान नेटो मेंबर्स अपने सहयोगी को देते हैं, और जो कमी बाकी थी उसे पूरा किया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कीव पहुंचकर। जहां उन्होंने जुलाई में होने वाली नेटो समिट में शामिल होने के लिए जेलेंस्की को न सिर्फ आमंत्रण दिया बल्कि यूक्रेन को एक तरह से अघोषित नेटो मेंबर के तौर पर पेश भी कर दिया। NATO stands with Ukraine. We stood by you after Russia's illegal annexation of Crimea in 2014. We stand by you today in your heroic fight against the Russian invaders and in defense of your country. And we would stand by you tomorrow. 30 अप्रैल की तैयारी के तहत रूस की कामयाब होती रणनीति का यह पहला सबूत है जो रूस के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल के कारणों में दर्ज होगा। इसके अलावा रूसी रणनीति की कामयाबी का दूसरा सबूत भी जेंस स्टोल्टेनबर्ग के इसी दौरे से मिलता है जिसमें पहली बार एक ऐसे मंच पर जेलेंस्की नेटो से सदस्यता का आह्वान करते हैं जहां नेटो चीफ खुद मौजूद है।
जब नाटो देशों में ज्यादातर सदस्य और यूक्रेन के अधिकांश नेता नाटो में हमारे शामिल होने का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उचित फैसला लेने का अब समय आ चुका है। ये वही मांग है जो ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और यूक्रेन की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। और अब यही वजह 30 अप्रैल को नए सिरे से अंतिम विनाशक जंग की शुरुआत कराएगी, जिसमें पहला कदम यूक्रेन की तरफ से ही उठेगा। इसका प्रमाण भी देख लीजिए, नेटो की मदद से यूक्रेन को भारी हथियार मिल गए हैं। लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार भी यूक्रेन को दिए गए हैं। नेटो सदस्यों से मिले हथियार यूक्रेन ने क्रीमिया की सीमा पर तैनात किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने नेटो से जल्द सदस्यता देने की मांग कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्रमाण अमेरिकी हलचल भी है। इस हलचल के तहत अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस वक्त यूरोप में है। With our deeply valued allies and partners. As I've discussed this issue with our allies and partners, I've been struck by your solidarity and your commitment to reject efforts to divide us. And we will not let anything fracture our unity. यानी अमेरिकी रक्षा मंत्री अपने अलायंस के साथ रूस के खिलाफ एक्शन की तैयारी में जुट गए हैं, जो ऑफेंसिव रणनीति अपनाए जाने का मजबूत संकेत है। इसके अलावा भी कुछ और संकेत 30 अप्रैल से जुड़े मिल चुके हैं। संकेत यह है कि अमेरिकन फोर्स मोल्डोवा में तैनात हो चुकी है। इस फोर्स ने मोल्डोवा के हथियार डिपो को अपग्रेड किया है। इसके अलावा रूस से एक्सपोर्ट पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही नेटो के सदस्य यूक्रेन को तेजी से हथियार डिलीवर करने लगे हैं। दावा है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स भी ब्रिटेन और फ्रांस के पास तैनात हो चुके हैं। हालांकि इसमें अमेरिकन न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा खुलासा क्रेमलिन ने किया है और नेटो से यूक्रेन को हथियार मिलने की पुष्टि एस्टोनिया ने की है, लेकिन ये सब कुछ रूस की रणनीति के तहत ही हो रहा है। 30 अप्रैल के प्लान के तहत ना तो रूस अभी नेटो को कोई चेतावनी दे रहा है, ना ही यूक्रेन को कोई धमकी दे रहा है, जो किसी बड़े प्लान का संकेत है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन क्रीमिया पर हमला रूस के खिलाफ युद्ध मानने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी रूस की खामोशी दिखावटी है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी की आड़ में विनाशकारी ऑफेंस असली रणनीति है। इसके प्रमाण भी देखिए, सेवस्तोपोल में 9 मई को विक्ट्री डे परेड नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया की परेड पर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि डोनबास रीजन के कुछ इलाकों में विक्ट्री डे परेड हो सकती है। दरअसल ये 30 अप्रैल से शुरू हो रहे बारूदी ऑपरेशन के प्रमाण ही हैं और दावा किया जा रहा है कि इन फैसलों के पीछे क्रेमलिन के थिंक टैंक्स का दिमाग है, जिसे दूसरे शब्दों में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जाहिर भी किया है। उनके मुताबिक रूस का मकसद नेटो के विस्तार को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।